शेख, मेरा सवाल है कि मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर हूँ और मैं अक्सर बाहर रहता हूँ, तो घर से जब तक घर में रहता हूँ मैं पूरी नमाज पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और घर से निकल जाता हूँ सफर में तो मैं कसर करता हूँ। तो कसर में मेरा मामला ऐसा है कि कभी हमको 15 दिन 1 महीना भी लग जाता है वापसी आने तक, तो मैं कसर ही पढ़ते रहता हूँ। तो दूसरी बात यह है कि किसी मुकाम में मैं रुक जाता हूँ तो जैसा वहां से निकलना है मेरे को आज निकलना है, कभी ऐसा लेट होता है तो कल परसों, ऐसा करते करते कभी कभी 8 8 दिन हो जाते हैं, तो मैं कंटिन्यू कसर ही पढ़ते रहता हूँ। ये मेरा सवाल है, तो क्या ये सही है? और दूसरी बात ये, सफर में कयामुल लैल की जा सकती क्या? ये मेरा सवाल था शेख आपसे। जी बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलल्लाह। भाई का सवाल है कि वो पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं और आमतौर से वो सफ़र में जाया करते हैं। तो जब तक वो सफ़र में होते हैं, जबकि कभी कभी उनका सफ़र लंबा भी हो जाता है 10 15 दिनों का, और कहीं पर 2 4 दिन वो रुक भी जाते हैं, तो क्या इस दौरान इस पूरी मुद्दत में वो कसर करते रहेंगे या नहीं? ये भाई का पहला सवाल है। इस सवाल में दो बातें अहम हैं जिनको जानना ज़रूरी है, भाई के लिए भी और जो दूसरे हजरात जो सुन रहे हैं उनके लिए भी। पहली बात ये है कि सफ़र के अंदर जो 4 रकात वाली नमाजें हैं उन्हें हमें 2 रकात करके पढ़ना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी, जैसा कि अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा वगैरह का बयान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी हालत सफ़र में 2 रकात से ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ी। जो नमाजें 4 रकात वाली हैं उनको आप हमेशा 2 रकात पढ़ते थे हालत सफ़र में। यहाँ तक कि बाज़ उलमा जिनमें शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया भी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर हालत सफ़र में कोई 4 रकात वाली नमाज को 4 रकात पढ़ रहा है तो उसकी नमाज ही नहीं होगी, क्योंकि हालते सफर में असलन वो 2 रकात ही है, 4 रकात नहीं है, 2 रकात ही है। तो बहरहाल अगर इस ये जो कौल है इसको ना भी लिया जाए तो सुन्नत तरीका यही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस पर अमल रहा पूरी जिंदगी, वो ये कि सफर की हालत में 2 रकात नमाज ही पढ़ी जाए 4 रकात वाली नमाजों को, बाकी बचती है फजर की नमाज जो कि 2 रकात है उसे 2 रकात पढ़ा जाए, और मगरिब की नमाज 3 रकात है उसे 3 रकात पढ़ा जाए। बाकी जो 3 वक्त की नमाजें हैं असर जोहर और ऐशा, इन्हें दो दो रकात करके पढ़ा जाए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। यहां पर अहम सवाल ये है कि हम कितनी दूर सफर पर निकले तो हम कसर करें। इस सिलसिले में बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है उलमा के माबैन कि वो कितनी मसाफत हो, कितनी दूरी हो कि जब हम घर से वहां के लिए निकले तो हम कसर करें। इसमें सही बात यह है दलायल की रोशनी में कि जो सफर की मसाफत है, जो सफर की दूरी है, उसको हमारी शरीयत में तय नहीं किया गया है कि आप इतना दूर जाएंगे तो उसको सफर कहा जाएगा, बल्कि इसका ताल्लुक उर्फ से है। इसीलिए आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को देखेंगे, आपके मामूल को देखेंगे तो आप पाएंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी मसाफत पर सफर किया है, कभी किसी दूसरी मसाफत पर सफर किया है। मुतअद्दिद किस्म की रिवायतें इस सिलसिले में वारिद हैं और तमाम रिवायतों में अलग अलग मसाफत का जिक्र है। तो ये जो सफर है इसका ताल्लुक उर्फ से है। उर्फ का मतलब जिस समाज और मुआशरे में जिस दूरी के जाने को सफर कहा जाता हो उसे सफर माना जाएगा। और ये जो सफर की इस्तेलाह है ये जमानो मकान के एतबार से बदलती भी रहती है, और इस बात को हम में से हर आदमी समझ सकता है। आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले जिस दूरी को या जिस दूरी पर जाने को सफर कहा जाता था, आज वो सफर नहीं कहा जाता है। बसा औकात इंसान 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर चाय पीने, नाश्ता करने चला जाता है तो उसको सफर नहीं कहा जाता है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जो है
रास्तों की सहूलत नहीं है, वसायले हमलो नकल की सहूलत नहीं है, तो वहां पर कम दूरी पर आप जाते हैं फिर भी उसको सफर कहा जाता है। तो बहरहाल इसका ताल्लुक, सफर का ताल्लुक मुकम्मल तौर से उर्फ पर है, और जिस समाज और मुआशरे में जो उर्फ राइज है कि इतनी दूरी पर जाने को सफर माना जाता है तो उसको सफर माना जाएगा, इसकी कोई तहदीद नहीं है। तो ये पहली अहम बात जानने की है। दूसरी बात ये कि जब तक आप सफर में रहेंगे तब तक आप कसर करेंगे। अगर आप कहीं पर सफर में गए और वहां पर जाने के बाद आपने वहां पर कयाम कर दिया तो कयाम करने के बाद आपको कसर नहीं करना है, कयाम करने के बाद आपको नमाजें पूरी पढ़नी है। सवाल यह है कि कितने दिनों तक हम कयाम करें या कितने वक्त तक हम किसी जगह पर रुकें तो उसको कयाम कहा जाएगा। इस सवाल का जवाब भी सेम वही है जो पहले सवाल के जवाब में मैंने अर्ज किया। ये जो लफ्ज कयाम है इसकी भी कोई मुद्दत की कोई तहदीद हमारी शरीयत के अंदर नहीं की गई है, बल्कि इसका ताल्लुक भी उर्फ से ही है। जितने दिन ठहरने को कयाम माना जाता हो आपकी इस्तेलाह में, आपके उर्फ में, आपके समाज में, उसको कयाम कहा जाएगा। और अगर उसको आपके इस्तेलाह में, आपके उर्फ में कयाम नहीं कहा जाता है तो उसको कयाम नहीं कहा जाएगा। जैसे आप मान लीजिए मुंबई गए, किसी और शहर गए, वहां पर आप रात भर आपने कयाम किया। अब अगर रात भर कयाम करने को वहां के उर्फ में, वहां की इस्तेलाह और वहां की जबान में ये नहीं कहा जाता है कि अब आपका सफर खत्म हो गया, आप मुकीम हो गए, तो आप मुसाफिर ही माने जाएंगे। तो कयाम का ताल्लुक भी उर्फ से ही है, और इसको उलमा ने खास तौर से, मैंने शेख इब्न उसैमीन वगैरह को देखा, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया को देखा, इस पर बहुत लंबी चौड़ी उन्होंने गुफ्तगू की है अदिल्ला की रोशनी में। तो सही बात यह है कि ना तो सफर की मसाफत की कोई मुद्दत की तहदीद है और ना ही कयाम की किसी मुद्दत की तहदीद है, बल्कि इसका ताल्लुक मुकम्मल तौर से उर्फ से है। इसमें आप एक कायदा याद रखें, हमारी शरीयत के अंदर एक कायदा है कि हमारी शरीयत में कुरान और सुन्नत के अंदर जब कोई लफ्ज, कोई कलिमा, कोई वर्ड आता है तो उस वर्ड का हमें माना जानने की जरूरत होती है कि उस वर्ड की तफसीर क्या है। जैसे नमाज है सलाह, जैसे लफ्ज सलाह है कुरान में, हदीस में लफ्ज सलाह आया। अब सलाह का मफहूम समझने के लिए हम सबसे पहले शरीयत के नुसूस को खंगालेंगे, हम देखेंगे कि क्या कुरान में या सुन्नत में सलाह का कोई माना बताया गया है कि नहीं। अगर हमें उस कलमे का माना, मफहूम और उसका मुराद शरीयत के नुसूस में मिल जाता है तो हम उसे लेंगे। अगर हमें शरीयत के नुसूस में उसका माना नहीं मिलता है तो हम अहले लुगत का रुख करेंगे, अहले जबान का, क्योंकि हमारी शरीयत के जो नुसूस हैं वो अरबी में वारिद हुए हैं और कुरान करीम अरबों की जबान में वारिद हुआ है, हदीस अरबों की जबान में है, तो हम देखेंगे कि अहले जबान जो हैं उसका क्या माना समझते हैं। तो हम जो माना अहले जबान उसका समझते हैं वो माना हम ले लेंगे। अगर इत्तेफाक से हमने देखा कि अहले लुगत और अहले जबान भी उस पर खामोश हैं, उसका माना की तहदीद उन्होंने कोई नहीं की है, तो ऐसी सूरत में तीसरा स्टेप ये होगा कि हम उर्फ देखेंगे, क्योंकि उस किसी भी कलमे को समझने के लिए वो कलमा जहां पर जिस समाज में बोला जाता है वो लोग उससे क्या मुराद लेते हैं उसको देखना हमारे लिए जरूरी है। तो शरीयत के किसी कलमे को, किसी इस्तेलाह को समझने के लिए पहले नुसूसे शरीयत देखेंगे, उसमें नहीं उसकी तफसीर मिली तो अहले जबान की तफसीर देखेंगे, उसमें भी नहीं मिली तो हम अहले, तो हम उर्फ को देखेंगे। अब ये जो लफ्ज सफर है, सफर कुरान में वारिद है, सफर हदीस में वारिद है, लेकिन इसका माना, इसकी तहदीद कहीं पर कुरान और सुन्नत में नहीं की गई है कि कितनी दूर जाओ तो उसको सफर कहेंगे। इसी तरह से लफ्ज कयाम है, शरीयत के नुसूस में कयाम का लफ्ज वारिद है, लेकिन ये कहीं नहीं तहदीद है कि कितने दिनों तक हम रुकेंगे तो उसको कयाम कहा जाएगा। तो लिहाजा शरीयत के नुसूस में जब नहीं मिला तो हम अहले लुगत के यहां हमने देखा, अहले लुगत ने भी इसकी कोई तहदीद नहीं की है, लिहाजा हमारे पास तीसरा ऑप्शन बचता है
वो है कि हम उर्फ को देखेंगे। तो खुलासा ये कि सफर की जो मसाफत है उसकी तहदीद उर्फ से होगी, इसी तरह कयाम की जो मुद्दत है उसकी तहदीद भी उर्फ से होगी। अब आपके सवाल पर आते हैं। आपका सवाल है कि आप 15-15 दिनों तक या उससे ज्यादा दिनों तक आप जो है घर से बाहर रहते हैं, तो जब तक उसको सफर कहा जाता हो आपके समाज और मुआशरे के उर्फ में, तब तक आप कसर करेंगे, चाहे आप एक साल तक सफर में रहो, एक साल दो साल भी अगर आप सफर में रहते हो तो आप जो है कसर ही करोगे। ये आपके पहले सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल आपका ये है कि क्या हालत सफर में कोई आदमी कयामुल लेल कर सकता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ सकता है या नहीं? बिल्कुल पढ़ सकता है। तहज्जुद की जो नमाज है वो नफली नमाज है। नफली नमाजें आप जितनी चाहें सफर की हालत में पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हरज की, बल्कि पढ़ना चाहिए। अगर आदमी को तौफीक हो तो पढ़ना चाहिए। बाकी जो सुनने रवातिब हैं, सुनने रवातिब से मुराद जो फर्ज नमाजों से पहले या बाद में पढ़ी जाने वाली सुन्नतें हैं जिनका ताल्लुक फर्ज नमाजों से है, उनको क्या पढ़ेंगे कि नहीं, उनको सिर्फ फजर की जो दो रकात की सुन्नतें हैं उसको पढ़ेंगे बस। इसी तरह से वितर की नमाज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की दो रकात सुन्नतें कभी भी, ना तो हालत हदर में ना हालत सफर में आप कभी नहीं छोड़ते थे, तो उसको हमेशा पढ़ेंगे। इसी तरह से वितर की नमाज वो भी नफिल है, लेकिन उसको भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पढ़ते थे, तो उसको भी हमें हालत सफर में भी पढ़ना है। उसके अलावा जो सुनने रवातिब हैं उसको ना पढ़ना ये सुन्नत है। ये बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि कई सारे लोगों को देखा जाता है हालत सफर में भी वो सुनने रवातिब जो हैं, जैसे जोहर से पहले की सुन्नतें, जोहर के बाद की सुन्नतें, मगरिब के बाद की सुन्नत, ईशा के बाद की सुन्नत, इसको वो पढ़ते हैं। भाई सुन्नत उसको ना पढ़ना है, उसको पढ़ना सुन्नत नहीं है, उसको छोड़ना सुन्नत है। तो लिहाजा जो सुन्नत तरीका है उस पर अमल करें। बसा औकात इंसान जज्बात में आकर के वो सोचता है मैं नेकी कर रहा हूं। भाई नेकी ये है कि आप उस तरीके पर इबादत करें जिस तरीके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। आपने फजर के अलावा सुनने रवातिब नहीं पढ़ा है सफर में, इसी तरह से आपने वितर पढ़ा है, तो आप दीगर नमाजों की जो सुनने रवातिब हैं उनको सफर में ना पढ़ें। अगर आपको नफली नमाजें पढ़ना है बेशक पढ़ें, लेकिन सुनने रवातिब सफर की हालत में ना पढ़ना ये सुन्नत है।